नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस न्यूज बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। दिस बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय श्री अरबिंदो पब्लिक स्कूल, साई रोड, बद्दी। नड्डा के रोड शो के लिए भाजपा ने झोंकी ताकत, तोरण द्वारों, झंडों, बैनरों से भरी सड़कें। हिमाचल में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो 125 नहीं 300 यूनिट मुफ्त मिलेगी बिजली। पीडब्ल्यूडी मल्टीटास्क वर्कर भर्ती में नया पेंच, अब किलोमीटर के हिसाब से तय होगी भर्ती प्रक्रिया। सड़क दुर्घटनाओं में 2 की मौत, एक विदेशी नागरिक भी बना काल का ग्रास। बाथरूम की खिड़की तोड़कर कोर्ट की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर फरार हुआ हत्या आरोपी कैदी। फिल्मी हस्तियों से मनाली लाहौल गुलजार, नई नवेली दुल्हन को छोड़ पहुंचे रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, भूमि पेडनेकर लाहौल में डटे। हजारों का इंतजार खत्म, JOAIT 903 और क्लर्क पोस्ट कोड 918 का रिजल्ट आउट। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष सरदारी संभालने और हाल ही में कई राज्यों में पार्टी को जीत दिलाने के बाद पहली बार जिला कांगड़ा पहुंच रहे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। भाजपा ने इसके लिए नेताओं की जिम्मेदारियां भी तय कर दी हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के स्वागत में कोई कसर न रहे, इसके लिए गुरुवार को भी कार्यकर्ताओं सहित नेताओं ने खूब पसीना बहाया। विधायक अरुण मेहरा के गृह क्षेत्र नगरोटा बगवा में हो रहे कार्यक्रम को भव्य स्वरूप देने के लिए और ऐतिहासिक बनाने के लिए वह स्वयं अपनी समस्त टीम के साथ रात दिन एक किए हुए हैं। उनका दावा है कि नगरोटा बगवा के ही करीब 10,000 लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करेंगे। JP नड्डा स्थानीय बाजार में करीब 1 किलोमीटर के रोड शो के बाद गांधी मैदान में रैली को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। आयोजन के लिए संगठन से जुड़े सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता इन दिनों नगरोटा बगवा में डेरा डाले हुए हैं तथा अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में जुट गए हैं। शहर को तोरण द्वारों, झंडों और बैनरों से सजाया गया है, जबकि सभा स्थल पर 25,000 लोगों के इकट्ठे होने की व्यवस्था की गई है। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष के नगरोटा बगवा दौरे की तैयारियों का जायजा लेने स्वयं मंत्री जयराम ठाकुर नगरोटा बगवा पहुंचे। उन्होंने सभा स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और कुछ सुझाव भी दिए। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे ही सियासी दल जनता को रिझाने के लिए नई नई घोषणाएं कर रहे हैं। इन दिनों दिल्ली की तर्ज पर बिजली पानी को फ्री करने की सियासत पर काम हो रहा है। भाजपा और आप इस सूची में सबसे आगे हैं। हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रभारी एवं दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि उनके ऊपर बनाए गए भ्रष्टाचार के मामले राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं बल्कि हिमाचल मॉडल ही चलेगा। हिमाचल में पर्यटन सहित बागबानी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। देखिएगा, हमारा क्लियर स्टैंड है, इस देश को शिक्षा की आवश्यकता है, स्वास्थ्य की आवश्यकता है, बेसिक रोजगार की आवश्यकता है। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर 40% युवा बेरोजगार है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए, उसको काम मिलना चाहिए, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छी से अच्छी पढ़ाई में पढ़ाई के साथ साथ अच्छे से अच्छा इलाज होना चाहिए, मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। यहाँ की जो मूलभूत काम है उन पर सब पे काम करने की जरूरत है। मुझे लगता है हमें बिल्कुल नहीं चल पड़ना चाहिए। ये डिवाइड एंड रूल की राजनीति जो है कि ये वाली कास्ट है या ये वाली कास्ट है, इसमें हम आम आदमी पार्टी नहीं करेंगे। लेकिन आज तक भाजपा व कांग्रेस दोनों ने ही इनकी उपेक्षा की है। आप इन क्षेत्रों में काम करेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा को दिल्ली मॉडल के आधार पर ही हिमाचल में भी मुफ्त देने पर काम किया जाएगा ताकि आम आदमी को तकलीफ ना हो। गुरुवार को धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रभारी सत्येंद्र जैन ने कहा कि हिमाचल में अगर आपकी सरकार बनती है तो पंजाब की तर्ज पर यहां भी 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। खालिस्तान को लेकर पूर्व मंत्री मेजर मनकोटिया द्वारा आप प्रमुख
अरविंद केजरीवाल पर लगाए गए आरोपों को लेकर जैन ने कहा कि आप इस तरह के संगठनों का विरोध करती है, आपने कभी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं किया है। मनकोटिया जी तो आम आदमी पार्टी के नहीं है अभी तक, तो उसे किस आधार पे मुलाकात करनी जरूरी है ऐसा समझना मैं नहीं समझता कि उनके लिए मुलाकात। आम आदमी पार्टी के कई लीडर जो है जो प्रदेश के, वो उनसे संपर्क में तो है, वो जा तो रहे हैं उनसे शामिल करवाने के लिए। देखिएगा बातचीत किसी की भी हो सकती है, पर ये कहना कि अरविंद केजरीवाल उनसे बात करें ये गलत डिमांड है, उसको आपकी तरफ उठाना भी गलत है। पहले लोग सब उनका विरोध करते हैं, एक सेकंड सुन लीजिए, आपने क्वेश्चन है अगर मतलब 300 भी हो सकती है, अगर कॉपी करना तो पूरा कर लेते, पूरा कर नहीं सकते। वैसे भी आपको बताता हूँ असली और डुप्लीकेट में फर्क होता है। लोक निर्माण विभाग में होने जा रही मल्टीटास्क भर्ती में आए दिन कोई न कोई समस्या खड़ी हो जाती है। अब इसमें किलोमीटर के हिसाब से भर्ती होने की बात कही जा रही है। पीडब्ल्यूडी में करीब 5000 वर्कर की भर्ती होनी है, ऐसे में विभाग में खाली पदों की डिटेल भी मांगी गई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती में पेंच आ गया है। विभाग अब किलोमीटर के हिसाब से वर्करों की भर्ती करेगा और इसके लिए तमाम प्रदेश से आंकड़े अब जुटाए जा रहे हैं। साथ ही कर्मचारियों के खाली पदों की डिटेल भी खंगाली जा रही है, कितने किलोमीटर मार्ग को संभालने के लिए वर्कर्स की जरूरत फील्ड में है, यह जानकारी भी उपमंडल स्तर से तलब की गई है। प्रदेश सरकार ने लोक निर्माण विभाग में करीब 5000 मल्टीटास्क वर्कर भर्ती करने का फैसला किया है। भर्ती का ड्राफ्ट बन चुका है, यदि पदों की मांग 5000 तक सीमित रहती है तो लोक निर्माण विभाग पूर्व निर्धारित नियमों के अनुरूप ही भर्तियां करेगा, लेकिन 5000 से बाहर जाते ही इसका असर किलोमीटर पर नजर आएगा। विभाग प्रदेश भर से डिमांड आने के बाद ये तय करेगा कि मल्टीटास्क वर्कर के हवाले कितने किलोमीटर तक सड़क रहेगी। वहीं लोक निर्माण विभाग भर्ती के लिए चयन समिति का गठन करने जा रहा है, मेरिट आधार पर ही मल्टीटास्क वर्करों का चयन होगा। इसमें अधिकतम अंक 10 निर्धारित रहेंगे और इससे मिलने वाले अंकों के आधार पर मेरिट बनेगी। प्रदेश में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज लाहौल स्पीति, सुंदरनगर और जोगिंदरनगर में हुए सड़क हादसों में 2 की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। इस हादसे में इंग्लैंड का एक नागरिक भी काल का ग्रास बन गया। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के सिस्सू के पास एक वाहन खाई में गिर गया, जिसमें एक विदेशी नागरिक की मौत हो गई है जबकि 2 घायल हुए हैं। SP लाहौल स्पीति मानव वर्मा ने कहा कि सिस्सू के समीप शिटी नाला के समीप सड़क दुर्घटना हुई है। वाहन में 3 लोग सवार थे। हादसे में मृतक व्यक्ति की पहचान 28 वर्षीय जोविता निवासी इंग्लैंड के तौर पर हुई है। वहीं सुंदरनगर में चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के तरोट में एक कार और स्कूटी में जोरदार भिड़ंत हो गई। इसमें स्कूटी चालक 38 वर्षीय सतीश कुमार पुत्र इंद्र सिंह निवासी धर्मपुर की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ जोगिंदरनगर में घटासनी के पास 2 कारों की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों गाड़ियों में सवार लोगों को चोटें आई हैं। कहा जाता है कि पुलिस जान पर खेलकर संगीन अपराधों में शामिल शातिरों को पकड़ती है, लेकिन जब कोई कैदी पुलिस गिरफ्त से और वह भी कोर्ट परिसर से फरार हो जाए तो कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठ खड़े होते हैं। ऐसा ही एक वाकया नालागढ़ कोर्ट परिसर में पेश आया है। हत्या आरोपी कैदी बाथरूम जाने का बहाना बनाकर नालागढ़ कोर्ट परिसर की दूसरी मंजिल से छलांग लगाकर फरार हो गया। गुरुवार को पुलिस कंडा जेल से कैदी को पेशी के लिए नालागढ़ स्थित सेशन कोर्ट लेकर आई थी, जहां कैदी ने बाथरूम की खिड़की तोड़ी और छलांग लगाकर फरार हो गया। फिलहाल कैदी की तलाश में नाकेबंदी कर दी गई है। बताया जा रहा है कि सोलन की कंडाघाट जेल से बिहार निवासी कैदी गंगू मांझी को नालागढ़ के सेशन कोर्ट लाया गया था। गुरुवार सुबह 10:15 बजे पुलिस जवान नालागढ़ सेशन कोर्ट में पहुंचे तो कैदी ने बाथरूम जाने की बात कही और टॉयलेट के अंदर चला गया। इस दौरान कैदी ने बड़ी ही चालाकी से बाथरूम की खिड़की तोड़कर दूसरी मंजिल से छलांग लगाई और फरार हो गया। बताया जा रहा है आरोपी कैदी पर हत्या का मामला दर्ज है और वो 2015 से कंडाघाट जेल में बंद था। वहीं आखिरी सूचना मिलने तक कैदी का कोई अता पता नहीं लगा है। बताया जा रहा है आरोपी नालागढ़ कोर्ट से वर्ष 2019 में भी इसी बहाने फरार हो चुका है, जिसे दबोटा से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। एक बार फिर कोर्ट से फरार होना पुलिस की कार्यप्रणाली व सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर रहा है। एक अक्यूज्ड है 302 के केस में, जो 2015 का केस है, उसमें ये जो अक्यूज्ड है ये जुडिशियल कस्टडी में था कंडा जेल में। कंडा जेल से 2 कांस्टेबल्स हैं जिनकी कस्टडी में था ये, और एडिशनल जो सेशन जज हैं उनके कोर्ट में इनको लेके आ रहे थे। उस टाइम पे 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में ये जो एस्केप कर गया है।
इन दिनों बॉलीवुड के बड़े बड़े स्टार कलाकारों से मनाली और लाहौल घाटी गुलजार हो उठी है। आलिया भट्ट से शादी के बाद हनीमून की बजाय रणवीर कपूर शूटिंग के लिए सीधे यहां पहुंचे, तो वहीं अर्जुन कपूर, भूमि जैसे बड़े बड़े कलाकार पहले ही पर्यटन नगरी में डेरा जमाए हुए हैं। मनाली की वादियां एक बार फिर फिल्मी हस्तियों से गुलजार हो उठी हैं। अब रणवीर कपूर नई नवेली दुल्हन आलिया भट्ट को घर छोड़ यहां पहुंच गए हैं। वे फिल्म एनिमल की शूटिंग के चलते अभिनेत्री रश्मिका के साथ पहुंचे और फाइव रिजोर्ट बड़ागढ़ में रुके। इस दौरान उनका स्वागत रिजोर्ट के मालिक और हिमाचल के सर्वश्रेष्ठ बागवान नकुल खुल्लर ने कुल्लवी परंपरा के अनुसार किया। उधर अभिनेता अर्जुन कपूर व अभिनेत्री भूमि पेडनेकर भी मनाली व लाहौल की वादियों में फिल्म लेडी किलर की शूटिंग में व्यस्त हैं। ये दोनों कलाकार मनाली के सोलंग नाला रिजॉर्ट में ठहरे हैं। उन्होंने गुरुवार को लगभग दो घंटे तांदी पुल व उसके आसपास के क्षेत्र में लेडी किलर की शूटिंग की। इसके बाद शाम को फिल्म यूनिट ने पर्यटन स्थल सिस्सू में दस्तक दी। फिल्म के डायरेक्टर अजय बहल व प्रोड्यूसर भूषण कुमार भी इस दौरान लाहौल में डटे रहे। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने दो पोस्ट कोड के रिजल्ट जारी कर लंबे समय से इंतजार कर रहे बेरोजगारों को बड़ी राहत दी है। इनमें जेओएआईटी पोस्ट कोड 903 की लिखित परीक्षा में 842 अभ्यर्थी पास हुए, जबकि क्लर्क पोस्ट कोड 918 के टाइपिंग टेस्ट को 119 अभ्यर्थी बुलाए गए। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने गुरुवार को जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 903 और क्लर्क पोस्ट कोड 918 की लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया। आयोग सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 82 पदों के लिए लिखित परीक्षा देने वाले 20,833 अभ्यर्थियों में से 842 को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। वहीं क्लर्क के 11 पदों के लिए लिखित परीक्षा में 16,207 अभ्यर्थियों में से 119 को उत्तीर्ण घोषित किया गया है। विभाग ने पास हुए अभ्यर्थियों के रोल नंबर अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिए हैं। चलते चलते में कुछ और बड़ी खबरें। चंबा में 15 अप्रैल को की गई घोषणाओं पर कैबिनेट में होगा फैसला, महिलाओं के लिए आधे बस किराए पर भी होगी चर्चा। सुंदरनगर में नशा तस्कर को 5 साल कैद, 50,000 जुर्माना, 1 किलो अफीम के साथ किया था गिरफ्तार। कहलीवाल के बाथू में एक दर्जन झुग्गियां राख, प्रवासी मजदूरों का सामान और नकदी स्वाहा। पंजाब में दबोचे 6 चोर, अंब ऊना मार्ग पर इलेक्ट्रॉनिक थोक विक्रेता के शोरूम में चोरी किया था सामान। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। रात 9 बजे देखना ना भूलें शिमला से हमारा विशेष लाइव प्रसारण।